अधिकारी को निलंबित किए जाने का विरोध कर रही थी। कई गाड़ियों में भी आग लगाए जाने की खबर आ रही है। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। मणिपुर के चुराचांदपुर ज़िले में स्थिति बहुत ही अब टेंस है, क्योंकि आज शाम से वहाँ पे एक मॉब बिल्डअप हुआ और उस मॉब ने पहले जो सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिस को घेराव किया और वहाँ पे पत्थरबाजी हुई। इसके बाद पुलिस ने पहले लाठीचार्ज करने की कोशिश की, टीयर गैस शेलिंग की। इसके बाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब मॉब बेकाबू हो गई तब उन्होंने उनको वहाँ पे फोर्स को यूज़ करना पड़ा, गोली चलाने की भी बात आ रही है और इसमें बहुत लोग घायल भी हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। मगर मॉब के कुछ लोग सुपरिटेंडेंट के पुलिस के ऑफिस में घुसाए और रैनसैक की। इसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी वहाँ पे गुस्साई भीड़ पहुँच गई और वहाँ पे भी कुछ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको आग लगाई गई और इसके बाद बहुत लार्ज स्केल वायलेंस की रिपोर्ट है और जो पुलिस ने भी वहाँ पे जो परिस्थिति है उसको काबू करने के लिए उनको भी गोली चलानी पड़ी है, ऐसे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खबर लग रही है। और इसमें कुछ लोग उनको घायल भी हुए हैं और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पहले फोर्स यूज़ किया, अब तब मॉब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई, जो भीड़ और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। मगर ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक जो पुलिस कांस्टेबल हैं जो कि चुराचांदपुर में पोस्टेड हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि उनका एक वीडियो निकला था जो आम मिस्क्रियंस के साथ जो कि विलेज वॉलेंटियर हैं उनके साथ, और अब इंक्वायरी के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और वहाँ पे जो गुस्साई भीड़ आई थी उनका ये दावा था कि जो ये कांस्टेबल है उसको वापस रीइंस्टेट किया जाए और इसके इस ये जो मामला है इसको लेके ही अब फिर से अशांत हो पड़ा है चुराचांदपुर मणिपुर में, जहाँ से कि जो मई के 3 तारीख से पिछले साल में जो हिंसा जाति हिंसा हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी, अब वो इलाका फिर से हम देख रहे हैं कि उसमें फिर से बहुत टेंशन है और वहाँ पे अधिक मात्रा में जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको भी भेजा जा रहा है।